भगवान को भी सर्दी लगती है। जी हाँ, यह थोड़ा सुनने में जरा अटपटा लगता हो, लेकिन यह हकीकत है। गया के गोड़िया मठ मंदिर में जगन्नाथ, राधा रानी, कृष्ण भगवान, चैतन्य महाप्रभु की प्रतिमा स्थापित है और उम्मीद है कि तापमान में लगातार गिरावट आएगी, ऐसा मौसम विज्ञान विभाग का कहना है। भगवान जगन्नाथ सहित अन्य स्थापित प्रतिमा को ठंड के मौसम में गर्म वस्त्र पहनाया गया है। इस संदर्भ में मंदिर के पुजारी उत्तम श्लोक दास ने बताया कि गोड़िया मंदिर का ब्रांच है, यह मंदिर 1936 में स्थापना किया गया। जैसे हम लोगों को ठंड लगती है, वैसे भगवान को भी सर्द लगती है, इसलिए भगवान को भी ठंड में गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में भी चंदन सिंगार होता है, सीख भी लगाई जाती है। मंदिर में सर्दी के समय कंबल, स्वेटर, गर्म वस्त्र, गर्म पानी, भोग लगाया जाता है। जब से मंदिर स्थापित हुआ उस समय से प्रचलन चली आ रही है। ये गया में जीबी रोड स्थित गोड़िया मठ है। ये मंदिर इनका हेडक्वार्टर है कलकत्ता बाग बाजार में, गोड़िया मिशन का ब्रांच है। ये मंदिर स्थापना हुआ था गया धाम में 1936 में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने ये मंदिर स्थापना किया था। इनका हेडक्वार्टर जो है वो कलकत्ता में 1918 में हुआ था। मैं भाई देखा जा रहा है कि भगवान जी को सोल और स्वेटर पहनाया हुआ, क्या कर रहे हैं? ये हम लोग का मंदिर का नियम ऐसा है, ये जो संस्था है ये ब्रह्म माधव गोड़िया संप्रदाय का है, तो हम लोग का जब से मंदिर हुआ है उसी समय से ही सेवा का नियम चल रहा है। जब सर्दी का समय होता है तो हम लोग को जैसे ठंडी महसूस होता है, तो हम लोग मतलब इसलिए भगवान को भी ऐसा महसूस होता है। इस भाव से हम लोग भगवान का साल, कम्बल, स्वेटर, टोपी ये सब पहनाता है। जब गर्मी का समय होता है तो अक्षय तृतीया से भगवान का शरीर में पूरा चंदन का सिंगार होता है, ठंडी रखने के लिए एसी चलाता है, फैन चलता है। सर्दी का समय जब ठंडी है तो गर्म पानी भोग लगता है, गर्म दूध भोग लगता है, गर्म वाला चीज़। कब से ऐसा परंपरा चली? ये तो 1936 से ही चल रहा है। क्या कारण है ऐसा करने का? ये कारण भगवान के प्रति जो सेवा का भावना है, प्रेम है, ये भगवान का सेवा कर, भगवान का सुख विधान कर, ये सब सेवा करने से भगवान का सुख मिलेगा। भगवान के सुख के लिए, सेवा के लिए ही तो हम लोग आए हैं, मतलब भजन करने के लिए संसार छोड़े हैं ना सर। और ये जो मंदिर है इसका मेन उद्देश्य है कि भगवान का सेवा करके मतलब संसार में भगवान का वाणी प्रचार करना, माँ चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार करना, भगवान का वाणी संसार जी। ठंड के कारण नहीं भगवान? हाँ, ये ठंड के कारण नहीं।